जो बात मैंने पहले कही थी वो फिर मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से ही जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया है। ये सरासर गलत है। अगर इसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं जिसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाए कि क्या है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बहराइच महोदय, दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज जोत चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने CMO बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी CMO सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, उनको साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रघवार, शुभम मिश्रा, कुष्मेंद्र चौधरी, मनीष चंद शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधान सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 Isuzu गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि CCTV कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं।